चाइना से मौत वाली वायरस पूरी दुनिया में दस्तक देने के बाद अब हिंदुस्तान की फिजाओं में भी मौत का वायरस बांट रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में इटली के 16 पर्यटकों समेत 28 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर में इटली दंपत्ति में भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अब शेक हैंड नहीं, लोग एक दूसरे को नमस्ते कर रहे हैं। चाइना से मौत वाला वायरस कोरोना से डरो ना। शेक हैंड नहीं, अब नमस्ते करो। चाइना से निकला मौत का यह खतरनाक वायरस पूरी दुनिया के लिए खौफ बन गया है। आलम यह है कि यूरोप के लगभग तमाम देश इसकी चपेट में हैं। अब यूरोपीय टूरिस्ट के जरिए यह वायरस हिंदुस्तान की हवा में भी घुल चुका है। भारत में कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद इटली के 16 पर्यटकों समेत 25 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। यूपी में 6 और संदिग्ध पाए गए हैं, जबकि जयपुर में इटली दंपति में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है। भारत में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि के बाद सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 देशों जापान, इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान के नागरिकों को दिए गए वीजा रद्द कर दिए हैं। हमने भारत सरकार को सूचित किया, जब ये केस पॉजिटिव आया यहाँ पे तो भारत सरकार ने उनको अपनी निगरानी में ले लिया और भारत सरकार ने उनकी भी जांच की। उनमें से भी 15 लोग पॉजिटिव पाए गए जो अभी दिल्ली में है, भारत सरकार की देखरेख में है। तो ये जो लोग जहाँ जहाँ ट्रेवल करके आए हैं, जिन जिन स्थानों की इन्होंने यात्रा की है, जिन कमरों में रुके, जो होटल का स्टाफ इनके संपर्क में आया है, उन तमाम चीज़ों की स्क्रीनिंग करने और वहाँ से जिनके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कोरोना वायरस से मिलते जुलते, उनके सैंपल कलेक्ट करने का काम हमने रैपिड रेस्पॉन्स टीम पूरे राजस्थान में गठित की है। जयपुर में इटली पर्यटक दंपति के कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमा जहां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, तो जयपुर के प्रताप नगर में RUHS हॉस्पिटल में आइसोलेशन को लेकर भी विरोध शुरू हो चुका है। इन लोगों को डर है कि RUHS कैंपस में कोरोना के संदिग्ध मरीज के भर्ती होने से पूरे परिसर में इन्फेक्शन फैलेगा। इटली दंपति में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए करीब 200 लोगों की सूची तैयार है, जिनकी स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। करीब 100 से ज्यादा संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, तो इटली दंपति को SMS अस्पताल के आइसोलेशन में रखा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड जो पेशेंट है, SMS से यहां शिफ्ट किए गए हैं, वो बिना आइसोलेशन वार्ड के, बिना तैयारी के शिफ्ट किए गए हैं और रात को खुले में घूम रहे थे। और यहां 4 बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, नॉन टीचिंग स्टाफ के 6 क्वार्टर्स हैं। इतनी आबादी के रहते हुए यहां शिफ्ट कैसे किए? कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, ना ही ग्लव्स दिए जा रहे हैं टाइम से। सिर्फ सफाई के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। और सबसे ज्यादा तो इफेक्टिव हम होंगे, क्योंकि सारी गंदगी तो जिम्मेदारी हमारी है। होटल किया गया सीज। इटालियन दंपति में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद इटालियन टूरिस्ट जिन लोगों के संपर्क में आए, जहां जहां रुके, वहां की पूरी तरह से जांच हो रही है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होटल ट्राइडेंट पहुंचकर पर्यटकों और होटल के कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की। आपको बता दें कि उदयपुर में 4 दिन तक इटालियन पर्यटक रुके हुए थे, जिसके बाद स्क्रीनिंग के लिए होटल के 13 रूम सीज कर दिए गए। नेताजी हाथ मिलाने से डरे। राजस्थान में कोरोना वायरस से डर और दहशत का आलम ऐसा कि विधानसभा में मंत्री और विधायक अब दूर से नमस्ते कर रहे हैं। कोरोना से सावधानी बरतने के लिए देखिए, मंत्री विधायक एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी डर रहे हैं। सदन में BJP विधायक राम प्रताप कसानिया मास्क लगाकर सदन में बैठे दिखे। मंदिर में मास्क वाले श्रद्धालु। जयपुर में कोरोना वायरस को लेकर लोग इतने सतर्क हैं कि मंदिरों में भी अब भक्त मास्क पहनकर पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं।
वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए भक्त मंदिरों में मास्क लगाकर पूजा अर्चना करते देखे जा रहे हैं। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को स्वच्छता रखने के लिए भी सुरक्षा किट लगाकर काम करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना वायरस से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, दूसरों से हाथ मिलाने से बचें, यानी कि आप शेक हैंड से नहीं नमस्ते से काम चलाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।